दो वीडियो में हमने अस्टेबल टाइमर बनाया जो कि हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें देता है, और हमने विदाउट जटरिंग वाला मोनोस्टेबल टाइमर बनाया जो कि हमें मैनुअल क्लॉकिंग करने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी हमें इन दोनों को मिक्सअप करना है ताकि हमें विदाउट जटरिंग वाले मैनुअल कंट्रोल स्टार्ट, हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहेंगे या स्टॉप करना चाहेंगे वो मैनुअली कर सके। हमने दो पुल स्विच का उपयोग कर ले रहे हैं यहाँ पे क्लॉक और मैनुअल में स्विच करने के लिए। अगर प्रेस होगा तो क्लॉक में रहेगा और रिलीज़ रहेगा तो मैनुअल होगा। इस हम बीच वाले से कनेक्शन लेंगे, सो इसलिए हमने मेल हेडर हेडर को कनेक्ट कर दिया है ताकि पीसीबी में ब्रेडबोर्ड में अच्छे से फिट हो। सो इंसर्ट करके देख लेते हम। अभी हम ब्लू एलईडी ले रहे हैं, एक रजिस्टर 1K ओम का रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ, और जो क्लॉक वाला सिग्नल है ये यहाँ से लेंगे पिन नंबर 3 से और दे देंगे रिलीज वाले को, और मैनुअल से लेंगे कहाँ से 3rd से आउटपुट लेंगे और इस पिन को दे देंगे। सो अब रिलीज कर देते हैं। सो ये हमारा मैनुअल ले रहा है लेकिन डीबाउंस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा डीबाउंस हो रहा है। डीबाउंस का हमें नलीफाई करना होगा। क्लॉक आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, डीबाउंस हो रहा है, इसलिए हमें डीबाउंस रोकने के लिए हम इसे 555 टाइमर आईसी का उपयोग लेंगे और इस कंडीशन को सॉल्व कर देंगे। हमारा बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर रेडी है। अभी ये मल्टी वाइब्रेटर दो स्टेट में स्टेबल रहेगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। इसके कनेक्शन देख लेते। सेकेंड पिन हम को हमने 1K से कनेक्ट किया है, 4th वाले पिन को 1K से कनेक्ट किया है, और 6th नंबर पिन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और अभी अगर हम इसे 0 देंगे तो 0 आएगा, अगर हम इसे 1 देंगे तो 1 आएगा, यानी स्टेबल इन आउटपुट है। इसके कंडीशन में इसका एक ही स्टेबल आउटपुट है यानी 0। अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, रिलीज करें तो फिर से 0 हो जाएगा, यानी ये मोनोस्टेबल ही, और ये अस्टेबल यानी इसकी पल्स रेगुलरली चालू रहेंगी, यानी ये PWM जैसा काम करेगा। अगले वीडियो में हम इसका जो हार्ट और इन तीनों को कंबाइन करके एक सर्किटरी बनाएंगे और क्लॉक मॉड्यूल कंप्लीट कर देंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।